देखिए बाबा इन्हें दिखाओ टॉर्च दुकान टॉर्च दिखाओ टॉर्च दिखाओ दुकान एक मिनट यही है मुंह द्वार और ये पूरा में देख सकते हैं दूध की तरह झलक रहा है चारों साइड बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय खत्रीज बैक चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है और लंगू पंगू को देखिए लंगू पंगू बना हुआ है और इसका चश्मा है। तुम्हारा किसका चश्मा है बेटा दिखाओ तो मेरा। दिखाओ पहन कर पहन कर दिखाओ ना जल्दी। वाह अभी हम लोग जा रहे हैं हम जा रहे हैं ग्रुप में फ्रेंड लोग के साथ ग्रुप में जा रहे हैं लंगूर खोला बाबा के दरबार में। और मेरा ये देखिए पैकिंग चल रहा है दिखाते हैं और हम लोग जा रहे हैं तीन चार दिन का ट्रिप है बाबा के पास जा रहे हैं। ब्लॉग में बने जा रहे हैं ब्लॉग में बने रहिए बने रहिए तब देखिएगा। अभी तो फिलहाल मेरा पैकिंग का सजेशन हो रहा है देखिए बने रहिए। हम जा रहे हैं डॉक्टर कहाँ जा रहे हैं ब्लॉग में। देखिए मेरा पैकिंग हो रहा है। लंगू पंगू कितना हमको डिस्टर्ब किए हुआ है गधा डिस्टर्ब किए हुआ है ये हमको। पैकिंग का है बेटा पैक करना है। लो तुम अपना चश्मा डिब्बा में रखो। तुम्हारा डिब्बा कहाँ गया चश्मा का ना कुछ हो ये हल्ला कर रहा है नटरा कहाँ गया तुम्हारा डिब्बा। लो चलो अब पैकिंग करने दो। चलिए दोस्तों पैकिंग करके फिर मिलते हैं। देखिए कमीना आ गया है पूरा फैमिली को नहला के आया है बेहुद्दा सभी लोग तैयार है। ये कह रहा था 3 बजे आऊंगा जबकि सबसे पहला फोन आप ही का आया है भैया। उसके बाद इसका है 4:30 में आपका है उसके बाद तुम्हारा है 4:45 में उसके बाद तुम बोल रहा हाँ अंकल भी रेडी है 6 बज रहा है दोस्त तैयार हो। मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है जनरेटर स्टार्ट किए लाइन के लिए साला पूरा घर में कैसे लगे शॉर्ट लग गया पूरा तार। ए भैया हाय गाइस कल तो हम लोग का पैकिंग देखे हैं आज सुबह में हम लोग जा रहे हैं लंगूर खोला और हम लोग के साथ बने रहिए सब लोग तैयार है। अभी छोटू भैया पकड़ लिए है हम लोग का हाँ कोई नहीं चेहरा नजर आएगा मेरा भी। कल तो हम लोग का पैकिंग था सुबह में निकलना था लेकिन इस कुत्ते की वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गए क्योंकि भाभी को नहाना था चाची को नहाना था इसलिए नहवा के सबको तब आया है। अभी हम लोग का गाड़ी का झंडा उंडा बनाएगा उसके बाद निकलेंगे। ब्लॉग में बने रहे खत्रीज बैग को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे धन्यवाद। चलिए फिर आगे देखिए पल्सर में बन रहा है देखिए दादा भी आ गए लंगूर खोला कैसे जाए एकदम हम अनुभव कराते हुए लोगों को जाएंगे। हम नहीं गए हाँ तो अनुभव कराएंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। चल रहा है बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा है बहुत अच्छा है आशीर्वाद दीजिए। ले 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 तनखा खुला पैसा हां तनखा खुला पैसा मिल रहा है बल्कि माई के तरफ से आओ जल्दी ला जल्दी पुतनी वाला फोन ले ले हम अच्छी का फोटो ले रहा है भैया कुछ माल उठ ले लेते पापा जी अरे पापा जी भी जगे हुए हैं आराम से ले कर लिए हम प्रणाम। जय महादेव मिल गया चलो बगल हम बोल रहे मिला है भाई इन्हें रचकी है नहीं चलिए पर्स में रखते हैं बाबा ये क्या पड़ेगा पैसा कौन आएगा
हाँ वो जाए चेंज कर तीन दिन लगते चला चला डाली दी फाइनली तो अच्छा हाँ ठीक है हर हर महादेव हर हर महादेव बोल बम बोल बम चलिए 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 स्टार्ट कीजिए कौन सा है बोल बम देखिए दोस्तों कन्हैया बाबू चला रहे हैं हम लोग निकल गए हैं अपने घर से ये सीतामढ़ी में सोल चौक है देख सकते हैं पीछे राजीव शंकर छोटू भैया है सारा मार्केट बंद है सुबह का टाइम है हर हर महादेव का नाम लेते हुए हम लोग निकल चुके हैं नज़ारा देख सकते हैं ब्लॉग में बने रहिए आगे के फिर दिखाते हैं अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं सीतामढ़ी से और यहाँ से कहाँ पहुँचना है फिर ब्लॉग में रहिएगा तभी पता चलेगा आप लोग को देखिए दोस्तों हम लोग घर से निकले थे अभी हम लोग आ गए हैं जानकी मंदिर माँ जानकी का दर्शन करके सीता का जन्मस्थली माँ जानकी उनका नाम यहाँ दर्शन करके हम लोग आगे निकलेंगे क्या जानकी मंदिर पहुँच गया चला गया अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर गाड़ी में बैठेंगे उसके बाद अंकल के घर पे जाएंगे वहाँ पे नाश्ता उस्ता रखने के बाद चलिए ब्लॉक में रहिए बने रहे देखे अभी हम लोग का नाश्ता चल रहा है अंकल के यहाँ आंटी बनाई है आलू पराठा दही है अचार है पूरी है सब है अभी हम लोग खा रहे हैं क्या अंकल आपको कुछ बोलना है तो बोलिए भाई दर्शकों बहुत स्वादिष्ट नाश्ता ठीक है नाश्ता करिए हम लोग को निकलना है क्या और चलिए रहिए ब्लॉक में बने हुए चलिए हर हर महादेव हर हर महादेव बोल बम चलिए नाश्ता वगैरह हो गया अब निकला जाए आगे के लिए क्या भैया रहिए दोस्तों अभी हम लोग हाईवे पकड़ चुके हैं सीतामढ़ी से निकले थे जाना था अंकल के डेरा पर नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम था इसलिए हम लोग नाश्ता वगैरह करके सब जगह से होते हुए नेशनल हाईवे पर चढ़ गए हैं अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को जाना है भिट्टा मोड़ भिट्टा मोड़ से फिर आगे कहाँ निकलना है ये हम लोग को यह हम आप लोगों को बताएंगे ब्लॉक में बने रहे क्या कहना है बाबू अगले ब्लॉक में बने रहे अगले ब्लॉक में आपको मिलेगा जो कहाँ हम लोग जाना है मोड़ बाजार है और यहाँ से हम लोग को बाएं मुड़ना है नेपाल भिट्टा मोड़ बॉर्डर जिसको बोलते हैं जहाँ से जनकपुर नेपाल कहीं भी जा सकते हैं और ये टर्निंग पर ही बस स्टैंड है देख सकते हैं सामने नेपाल इंडिया का बॉर्डर आ गया देख सकते हैं हम लोग भिट्टा मोड़ बॉर्डर आ चुके हैं यहाँ SSB का कैंप है चेक पोस्ट है यहाँ पे एंट्री होगी तो अभी हम लोग नेपाल में हैं भंसार कटाने के लिए सभी लोग रुके हुए हैं क्या भैया नेपाल में हम लोग घुस गए हैं और यहाँ से भंसार कटाएंगे कन्हाई तो चला गया है नंबर बहुत ज़्यादा है
देख सकते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग को। यहाँ से भंसार कटेगा इंडियन गाड़ी का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइन में हो, देखिए भीड़, ये भीड़ चल रहा है नेपाल में। देखिए इस बार नेपाल सरकार द्वारा रेट बढ़ाया गया है, मोटरसाइकिल का 200 कर दिया गया है। भीड़ तो खचाखच भीड़ है बाबा दरबार जाने के लिए। देख सकते हैं, नाम भी ला लीजिए। चलिए भंसार वगैरह कट गया, देखे भंसार कैसा कटा है, दोनों गाड़ी का ना। चलिए पेट पेट, चलिए अब यहाँ से निकला जाए, भंसार वगैरह कट गया हम लोग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबा का नाम लेकर। और अभी बहुत दूर जाना है, जलेसर के रास्ता में हम लोग इंजीक किए हैं। ब्लॉक में बने रहिए, आगे वीडियो देखने के लिए ब्लॉक के साथ चलते रहिएगा, तो ब्लॉक मिलता रहेगा। बोल पा बोल पा। चलिए अब हम रखते हैं, अब आगे और वीडियो बनाएंगे अगले ब्लॉक में। ये जलेसर मंदिर है, शिव मंदिर, ये है जलेसर का शिव मंदिर। हम लोग अब जलेसर में हैं और थोड़ा देर में जलेसर से निकलेंगे। और ये है जलेसर के बगल से शिव मंदिर का रास्ता। ये है बर्दीवास जाने के लिए बस स्टैंड जलेसर का। ये दो आदमी के टक्कर में, अंकल और छोटे भैया के टक्कर में हम लोग बर्दीवास में आके रुके हुए हैं। ये आइसक्रीम खा रहा है, आगे पीछे के कारण लेट हो गया है। बर्दीवास चौक है ये, यहाँ से फिर आगे हम लोग निकल रहे हैं। चलिए अब हो गया, ये बर्दीवास प्रहरी हो गया, तो यहाँ से आगे निकलेंगे। देखिए दोस्तों, यही है विमान का रास्ता, अभी हम लोग जाएंगे विमान। ये रास्ता सिंधली भी चला जाता है और बिछड़े हुए आदमी हमारे पीछे है, देख सकते हैं। विमान, अब हम लोग विमान से हम लोग का लंगूरखोला का रास्ता चेंज होगा चंदनपुर के लिए, देख सकते हैं दोस्त क्या व्यू है। रोड एकदम ऊंचा पे जाना है हम लोग को। ये चल दिए दोनों बिछड़े हुए लोग, आगे आगे चल रहा है, पीछे से हम लोग रहेंगे क्योंकि हम लोग बिछड़ जाते हैं, आगे पीछे हो गए थे कुछ देर के लिए, लेकिन हम लोग बर्दीवास में आकर साथ मिल गए हैं। अब साथ में ही उनको आगे रखेंगे, हम लोग पीछे पीछे रहेंगे उनके पीछे। देख सकते हैं आप चढ़ाई है, चलिए बने रहिए ब्लॉक में। जाना है क्योंकि आगे पीछे हो जा रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अब रोड आ गया है एकदम सिंधली वाले रोड में हम लोग हैं, और नज़ारा यहाँ का देखिए जंगल वाला नज़ारा है, दोनों तरफ ही जंगल का नज़ारा है, देख सकते हैं आराम से। दिखाते हैं हम आपको आगे का व्यू। देखिए खाई पीछे, देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना ज़्यादा खाई गहराई है। इन्हें देखिए दोस्तों, चढ़ाई पे है हम लोग, बस चढ़ना है, जिलेबिया मोर इसको बोलते हैं।
गाड़ी का तो स्थिति खराब होगा ही, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है हम लोग को इस सफर में। जय बाबा लंगूर खोला, जय बाबा लंगूर खोला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बारिश हो रहा है हल्का हल्का, वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। देख सकते हैं पूरा जिलेबिया मोड़ है, देखिए कहीं ऊंचाई है कहीं नीचा है, ढुलाव है, और नीचे देख सकते हैं पूरा खाई है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, मतलब इसी टाइप का रोड पूरे विमान सिंदरी तक मिलता है। विमान से हम लोग को कट जाना है, हम लोग का रूट दूसरा है, हम लोग सिंदरी जा नहीं रहे हैं, हम लोग लंगूर खोला जा रहे हैं, इसलिए विमान से हम लोग को कटना है। ब्लॉक में रहे बने, फिर आगे का भी एडवेंचर हम दिखाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद ब्लॉक में एकदम, ब्लॉक को लाइक और सब्सक्राइब मेरे ब्लॉक चैनल को कीजिए। ब्लॉक ये आप लोग के लिए बहुत रोमांचक होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग रुके हैं, एक छोटा सा पुल है, स्पॉट है, पुल है, अच्छा स्पॉट है रुकने लायक। इधर देखिए कितने गहराई में ये नदी है, नदी देखिए, और हम लोग कितने ऊंचाई पे हैं, देख सकते हैं लीजिए नदी कितने गहराई है, और हम लोग कितने ऊंचाई पे हैं, और हम लोग पूरे लोग सारे लोग रुके हैं, सारे लोग यहाँ हैं, देख रहे हैं सब नदी नदी बोल रहा है। अगर हम लोग पैदल रहते, हम लोग पैदल रहते तो कितना नदी पड़ता जहाँ हम लोग जा रहे हैं, 32। अभी कितना नदी पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा, लेकिन बाइक से पड़ेगा, और वैसे पैदल जाने में 32 पड़ता है, तो उसमें कठिनाई होती है, बाइक से जाने पे थोड़ा सुविधा है, इसलिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं। विमान 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 होकर जाते हैं बाइक वाले लोग, गाड़ी वाले लोग। चलिए अब फिर आगे का नया स्पॉट दिखाएंगे, दिखा दीजिए नीचे का सीन, मैं दिखाया हूँ फिर दिखा के नीचे का। ये नदी का सीन है, कितना नीचा है नदी, और हम लोग काफी ज्यादा हाइट पे, दो पहाड़ तो हम लोग पार कर चुके हैं। कहाँ है दिखाइए तो भैया, कहाँ है, कहाँ, अच्छा यही कमला नदी है, और ये जो पानी चल रहा है ये थोड़ी देर में ये पानी खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे हो जाता है पानी, ये पानी आती है वो पहाड़ से, अच्छा, और यहाँ से होकर गुजर जाएगी ये। चलिए पानी कभी भी आ सकता है। चलिए ब्लॉक में बने रहे, चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ रुके हैं, उतने चढ़ाई के बाद नाश्ता वगैरह का दुकान है, यहाँ नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं, देख सकते हैं चाय वगैरह पियेंगे हम लोग। क्या पीजिएगा, चाय, हाँ, चाय चाय है, क्या पीना है, चाय खाओगे, देखते हैं। जंगल में है, स्पॉट जगह है, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम लग रहा है, ये लोग दोस्त लोग जो है मित्र लोग वो लोग बना रहे हैं। चलिए रहिए ब्लॉक में। देखिए दोस्तों हम लोग ढुलाव पे हैं, ढुलाव के बाद कितना ज्यादा ऊंचाई है ये अनुमान ही नहीं लग सकता है, मतलब इतना ज्यादा ऊंचाई है ना, एक गाड़ी का तो हालत खराब है, राजेश अंकल वाले गाड़ी का स्प्लेंडर प्लस है, लेकिन हम लोग का गाड़ी तो पल्सर है। देखिए दोस्तों अभी एक भैया मिल गए हैं हम लोग के, हम लोग रास्ते में, हाँ अभी नया है स्टार्टिंग है, तो नए भैया मिल गए हैं, ये जनकपुर के ही है, काठमांडू जा रहे हैं सुंदली होते हुए, तो हम लोग का भी इनसे बात हुआ है, तो प्रोग्राम बना हम लोग भी आगे जाए, सभी लोग हैं। भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, और खत्रीज बैक 911 चैनल का नाम, 911 ध्यान रखिएगा, ठीक है, थैंक यू, सभी दोस्तों को बाय बाय, बाय बाय। चलिए हम लोग का आ गया है मैगी, लंच का मैगी, हम लोग मैगी खा लेते हैं, मैगी खा रहे हैं, बाद आगे ब्लॉक बना, आगे फिर चलते हैं, रहिए ब्लॉक में। सामने पहाड़ है, ऐसे नहीं पहाड़ सब,
बोल पाप रुक के हम लोग जाना है, ये बोल पाप भी जा रहे हैं साथ में, हर महादेव सब में बैठे हुए वो लोग बोल पाप दोस्तों। अभी हम लोग लंगूर फुला पहुंच गए हैं और यही फील्ड है, नया पुल यही बना है और उसके जस्ट पुल पार करने के बाद नीचे से रास्ता है गाड़ी पार्किंग का। गाड़ी पार्किंग हम लोग का हो रहा है। एक गाड़ी मेरे गाड़ी का रसीद तो कट चुका है, दूसरे गाड़ी का रसीद कट रहा है। यहाँ गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था है, जो गाड़ी उड़ी गायब नहीं हो सकता, आप यहाँ गाड़ी पार्किंग कीजिए और ऊपर जाइए। भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी काफ़ी है, फोर व्हीलर भी सब है। और इस पहाड़ से जस्ट इस पहाड़ के नीचे एक पहाड़ और है सामने वाला, उसके बाद लंगूर खोला पड़ता है। करने का व्यवस्था है और यहीं से पैदल चढ़ाई करना है। पास में ही कमला नदी है, वहां से नहाना है और चढ़ाई करना है। देख सकते हैं इस पहाड़ के जस्ट पीछे बाबा हैं, इसी को कल चढ़ाई सुबह में करेंगे हम लोग। आज तो संभव हो नहीं पाएगा क्योंकि आने में लेट हो गया है, कल चढ़ाई करेंगे मॉर्निंग में। ब्लॉक में बने रहिए।